बेगूसराय में आज खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों ने एक अनोखा खेल किया, जहां कलेक्ट्रेट के गेट के सामने गेट बंद कर खिलाड़ियों ने सड़कों पर क्रिकेट खेल का खेल दिवस के रूप में मनाया। क्योंकि बेगूसराय में खेल मैदान नहीं होने के कारण खिलाड़ियों ने आज क्रिकेट दिवस के मौके पर सड़कों पर ही क्रिकेट खेलकर खेल दिवस के रूप में मनाया। वहीं क्रिकेट खिलाड़ियों ने बताया कि आज 29 अगस्त को हम लोग ध्यानचंद्र जी के जयंती के अवसर पर खेल दिवस मनाते हैं। हॉकी के जादूगर को नमन करता हूं, लेकिन दुख इस चीज़ का है कि आज खेल दिवस है लेकिन आज बेगूसराय जिले में एक भी खेल का मानक स्टेडियम नहीं है। मात्र एक बेगूसराय के गांधी स्टेडियम है, वह भी पूर्ण रूप से जर्जर स्थिति में है। खिलाड़ियों को खेलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और गैलरी भी टूटा हुआ है, जिसे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि आज हम तमाम खिलाड़ियों के साथ सड़कों पर क्रिकेट खेलकर सांकेतिक रूप से विरोध किया है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी खेल के लिए विकास की बात करते हैं, वहीं मुख्यमंत्री खेल विकास योजना चलाते हैं, लेकिन दुख इस बात की है कि मेरे बेगूसराय जिले में एक भी चलने के लिए मैदान नहीं है और गांधी स्टेडियम भी है तो वह पूरी तरह मैदान गड्ढे में तब्दील है। गांधी स्टेडियम खेलने लायक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगल बगल जिले में चले जाइए, जब जगह खिलाड़ियों के लिए अच्छे स्टेडियम खेलने के लिए बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि बेगूसराय में एक भी स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए खेलने के लिए नहीं बनाया गया। हम बिहार सरकार से मांग करते हैं कि बेगूसराय में भी अच्छे स्टेडियम खेलने के लिए बनाया जाए, ताकि आने वाला समय में इस जगह से खेलकर खिलाड़ियां पूरे देश का नाम रोशन कर सकेंगे। देखिए, आज 29 अगस्त है, हम लोग ध्यानचंद जी के जयंती के अवसर पर हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। हॉकी के जादूगर, मैं उनको आज नमन करता हूं, लेकिन दुख इस चीज़ का है कि आज खेल दिवस है और हमारे बेगूसराय ज़िले में एक भी खेल का मानक स्टेडियम नहीं है। पूरे ज़िले में भी आप देख रहे हैं कि हम, ये माननीय कलेक्टर साहब का ये कार्यालय है, इनके सामने बेगूसराय का मात्र एक गांधी स्टेडियम है। आप चले जाइए कि ये अवस्था में है कि सिर्फ गड्ढा है, गैलरी टूटा हुआ है, कभी भी मंच धस टूट सकता है। आज हम तमाम खिलाड़ियों के साथ हमने आज सड़क पर खेल करके एक सांकेतिक हमने आज ये मैसेज देने का काम किया है बिहार सरकार से भी, जहां मुख्यमंत्री खेल विकास की बात करते हैं, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना चलवाते हैं, लेकिन आज दुख इस विषय का है कि मेरे गांधी स्टेडियम को छोड़ दिया जाए तो बेगूसराय में एक भी स्टेडियम आप खेलने लायक नहीं है। अगल बगल जिला चले जाइए, सभी जगह स्टेडियम है, आखिर बेगूसराय के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम लोगों ने सड़क पर सांकेतिक कार्यक्रम करके हमने जिला प्रशासन को और बिहार सरकार को से आग्रह किया है कि कृपया करके इस गांधी स्टेडियम का जीर्णोद्धार करें, ताकि हमारे बेगूसराय जिले के भी खिलाड़ी आगे बढ़ सके, बिहार और देश के लिए खेल सके। सर्वप्रथम आज खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद जी को नमन है। आज उनकी जयंती है और काफ़ी आज सुखद दिन है, लेकिन आज जो यह व्यवस्था आन पड़ी है हम लोगों के ऊपर, जिले का एकमात्र गांधी स्टेडियम जो कि बस एक सिर्फ मूक दर्शक बन के रह गया है, यहाँ पर तो बच्चे खेलना तो दूर, यहाँ पर सुबह में घूमना आदमी का दुश्वार है, क्योंकि यहाँ पर गड्ढे हैं और गंदे इतने हैं कि जिसकी व्यवस्था को हम आपके जरिए बयां कर सकते हैं शब्दों से कि यहाँ खेलने लायक तो जगह है ही नहीं, और इसीलिए विवश होकर के व्यवस्था है, चूँकि बच्चे खेलेंगे नहीं, वो बेगूसराय औद्योगिक नगरी के नाम से जानी जाती है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात के कि इस ज़िले में एक भी खेलने लायक ग्राउंड नहीं है, जबकि यह जिला का दिल कहा जाता है, हार्ट ऑफ बेगूसराय कहा जाता है गांधी स्टेडियम को, लेकिन जगह जगह गड्ढे, कूड़े कचरे और अतिक्रमण की तो बात आप देख ही सकते हैं। ये खेल इसलिए है चूँकि मैं अपने माननीय जिला प्रशासन महोदय से गुहार करना चाहता हूँ, गुहार लगाना चाहता हूँ कि सो जल्द से जल्द इस खेल के मैदान को दुरुस्त करने का प्रयास करें, ताकि यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय फलक पे अपना नाम रोशन तो करते आ ही रहे और आगे मतलब उनको खेलने में तकलीफ ना हो। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा यह विशेष आग्रह होगा कि इस ज़िले में भी एक विशेष और एक अद्भुत क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो, ताकि यहाँ के बच्चे क्रिकेट खेल करके और क्रिकेट और अन्य खेलों को भी खेल करके राष्ट्रीय फलक पर बेगूसराय का नाम रोशन करे। चाहे कि खेल इसलिए खेला जाए कि ग्राउंड अभी बेगूसराय में अवेलेबल नहीं, यही DM सर से या नीतीश सर से कि कोई ख्वाहिश है कि खेल दिवस में एक ग्राउंड दे। खेल दिवस की आज खेल दिवस है और हमारे पास ग्राउंड नहीं है, इसलिए सर को पर ही खेल रहे हैं, इसलिए कि ग्राउंड अवेलेबल हो और सरकार या DM सर ग्राउंड एक दे दे मतलब खेलने के लिए। क्या मांग करते हो जिला प्रशासन से? एक ग्राउंड दे दे ताकि खेलने के लिए, हाँ खेलने के लिए सर हो जाए, जगह मिले। हाँ क्या, एक खेलने के लिए ग्राउंड अच्छा मिल जाए कि खेले सब सब एकदम। क्या नाम हुआ तुम्हें? पृथ्वीराज।